हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं रेडमी नोट 4 के एक्सटेंडेड यूआई के 2.0 ऑफिशियल एंड्रॉयड 11 रोम की। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखना। और यहाँ पे जो है रोम में आपको काफ़ी कस्टमाइजेशन जो है बाकी एंड्रॉयड 11 रोम से आपको ज़्यादा कस्टमाइजेशन यहाँ पे देखने को मिलती है। बाकी रोम्स में तो आपको ज़्यादा भी देखने को कस्टमाइजेशन ही नहीं देखने को मिलती, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ कस्टमाइजेशन भी देखने को मिलती है और एडवांस रिस्टार्ट भी मिल जाता है। और भी काफ़ी कुछ फीचर्स हैं जो कि एक्स्ट्रा आपको इसमें देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी है। तो सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे और साथ इंस्टॉलेशन भी है। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखें, और अगर आप नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर लें, ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट फ़ोन की। तो एक्सटेंडेड यूआई वर्जन 2.0 ऑफिशियल रोम है और एंड्रॉयड 11 देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी पैच 5 अक्टूबर 2020 की लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच है, और कर्नल जो है 4.9 वाला हमें देखने को यहाँ पे जो है मिल जाता है। और अगर हम बात करें यहाँ पे स्टेटस बार की, तो स्टेटस बार आपका लैगिंग देखने को मिलता है, लैगी है थोड़ा, यहाँ पे लैग सा देखने को मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे टॉगल्स ये सारे आपको मिलने वाले हैं, जो कि सोमी पार्ट्स भी आपको मिल जाते हैं। डायरेक्ट साउंड एंड FPS इन्फो ओवर लेयर भी देखने को मिल जाता है। 3 डॉट पे रीसेट का ऑप्शन देखने को मिलता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें FPS की, तो FPS इन्फो हमारा वर्किंग है बिल्कुल इसी तरीके से। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग की बात करें, स्क्रीन रिकॉर्डिंग में डिवाइस ऑडियो मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा लैगिंग देखने को मिलती है इसके स्क्रीन रिकॉर्डिंग में। तभी एंड्रॉयड 11 के जो भी रोम्स आ रहे हैं आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा लैगिंग देखने को मिलती है। और वॉल्यूम पैनल की बात करें तो कुछ इस तरीके से डिफ़ॉल्ट मिल जाता है, लेकिन आप इसको जो है इसका थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, आपको मिल जाता है आगे मैं बताऊंगा। एंड पावर मेन्यू आपको नॉर्मल मिलता है, लेकिन आप पावर बटन पर जाओगे तो आपको जो है रिस्टार्ट मिल जाता है। और एडवांस रिस्टार्ट भी कैसे इनेबल करना आगे मैं आपको बताऊँगा। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर रीसेंट की, तो रीसेंट भी आपका जो है यहाँ पर लैग देखने को मिलता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो हल्का लैग आपको रीसेंट में भी देखने को मिल जाता है। और नीचे आपको स्क्रीनशॉट के लिए दिया गया है, जिसमें आप शेयर एंड एडिट भी कर सकते हो स्क्रीनशॉट को। तो ये चीज़ जो है आपको यहाँ पे मिल जाती है। और डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड की अगर हम बात करें, तो डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड आपको ASP वाला ही देखने को मिलता है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कॉलिंग की, तो वोल्टी तो हमारी बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे काम करे, लेकिन वीडियो कॉलिंग जो है आप यहाँ पे नहीं कर पाओगे। तो ऐप को आपको यूज़ करना पड़ेगा, ऐप के थ्रू जो है वीडियो कॉलिंग आप यहाँ पे कर पाओगे। और कोई दिक्कत तो फिलहाल हमें देखने को यहाँ पे कॉल से रिलेटेड नहीं मिलता है। और अगर हम बात करें कैमरे की, तो डिफ़ॉल्ट कैमरा आपको कैमरा गो देखने को मिलने वाला है। और अगर हम बात करें यहाँ पे GCam की, तो GCam भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो GCam जो है हमारा यहाँ पे 7.4 वाला मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, और ये जो है बिल्कुल इसी तरीके से वर्किंग है यहाँ पे, तो आपको इसमें दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। GCam जो है आप बिल्कुल इसी तरीके से यूज़ कर पाएंगे। और प्ले स्टोर हमारा जो है नोट सर्टिफाइड है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन की, तो FM एंड म्यूजिक प्लेयर आपको देखने को नहीं मिलता है। और अगर हम बात करें बैंकिंग ऐप की, तो बैंकिंग ऐप भी आपके कुछ बैंकिंग ऐप काम करते हैं, कुछ बैंकिंग ऐप काम नहीं करते हैं। अगर आपको फिक्स करना है तो उसके लिए आपको रूट करना पड़ेगा और मैजिक मैनेजर से हाइड करके जो है यहाँ पर बैंकिंग ऐप यूज़ करना पड़ेगा, तभी आप बैंकिंग ऐप जो है यूज़ कर पाएंगे। और यहाँ पे हार्डवेयर बटन लाइट अभी काम नहीं करती है। और अगर हम बात करें इसके एनिमेशन की, तो वो आपको काफ़ी लैग देखने को मिलता है। यही एक दिक्कत है यहाँ पर कि जो कि लैगिंग ऐप ओपनिंग में भी आप देख सकते हो कितनी लैगिंग आपको देखने को मिलती है। और अगर हम स्टेटस बार को यहाँ पे ड्रैग करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आप यहाँ पे आपको खुद पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो है लैगिंग अभी हमें देखने को मिलती है। तो बस ये जो है अभी फर्स्ट बिल्ड है यहाँ पे। एंड सेटिंग्स की बात करें, तो हॉटस्पॉट हमारा वर्किंग है, वाईफाई भी वर्किंग है। कास्ट की अगर हम बात करें, तो कास्ट अभी फिलहाल हमारा जो है काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन इसके सेंटर के अंदर, तो यहाँ पे स्टेटस बार में डबल टैप टू स्लीप मिल जाता है, आइकन्स का ऑप्शन मिल जाता है कि कौन कौन से आइकन अभी आपको स्टेटस बार पे देखने को मिलते हैं। ये सारे आइकन्स हैं जो कि हमें देखने को मिल जाते हैं। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे थीम्स की, तो थीम्स के अंदर आपको यहाँ पे एसेंट कलर मिल जाता है, RGB का एसेंट कलर मिल जाता है, आइकन स्टाइल, आइकन सेव, स्विच स्टाइल एंड पॉइंट्स मिल जाता है, क्लॉक विजेट मिल जाता है। एंड यहाँ पे आप देखोगे नीचे क्विक सेटिंग बैकग्राउंड कलर मिल जाता है, ट्रांसपेरेंट QS हेडर मिल जाता है। और यहाँ पे वॉल्यूम पैनल जो है आप चेंज कर पाओगे, तो वॉल्यूम पैनल भी जो है MIUI जैसा आपको थोड़ा सा देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो यही जो है चेंज कर पाओगे, ज़्यादा अभी चेंजेस फिलहाल देखने को नहीं मिलते हैं। और भी कस्टमाइजेशन है जो कि मैं अभी आपको आगे दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो पहले वॉल्यूम पैनल कुछ इस तरीके जो है आप ये चेंज कर पाओगे। और यहाँ पे हम बैक करते हैं और चलते हैं यहाँ पे लॉक स्क्रीन के अंदर, तो डबल टैप टू स्लीप मिल जाता है, चार्जिंग इन्फो आपको देखने को मिल जाता है। और अगर हम बात करें नोटिफिकेशन की, तो यहाँ पे हाइड स्मार्ट रिप्लाइज मिल जाता है, टाइम आउट, स्नूजर, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। और यहाँ पे नेविगेशन बार में प्ले आउट प्लेबैक कंट्रोल मिल जाता है, इनेबल एडवांस रिस्टार्ट, तो एडवांस रिस्टार्ट जो है यहाँ पे मिलता है, जो कि पावर के अंदर आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ये सारी कस्टमाइजेशन आपको मिलने वाली है। और नीचे आपको नेविगेशन बार लेआउट भी देखने को मिल जाता है,
और नीचे अबाउट देखने को मिल जाता है। और अगर हम बैक करते हैं और चलते हैं यहाँ पे बैटरी की तरफ, तो बैटरी सेवर मिल जाता है, बैटरी मैनेजर मिल जाता है, बैटरी परसेंटेज मिल जाता है। बैटरी बैकअप की बात करें तो 2 आवर की मूवी फुल ब्राइटनेस पे प्ले करने के बाद एमएक्स प्लेयर पे यहाँ पे जो है 63% बैटरी मिली, तो बैटरी बैकअप आपको काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। और डिस्प्ले की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो है हमारा डार्क थीम अप्लाई हो रहा है, नाइट लाइट वर्किंग, ऑटो ब्राइटनेस भी काम कर रहा है, वॉलपेपर के अंदर आपको नॉर्मल ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। स्क्रीन टाइम आउट मिल जाता है, ऑटो रोटेट हमारा काम कर रहा है, लॉक स्क्रीन के अंदर आपको यहाँ पे ऑलवेज शो टाइम एंड इन्फो मिल जाता है, डबल टैप टू बैक हमारा वर्किंग है। यहाँ पे साउंड के अंदर चलते हैं तो यहाँ पे जो है मीडिया भी आपको देखने को मिल ही जाता है, जो कि स्टेटस बार पे आपका म्यूजिक प्ले करते हो सारी चीज़ें एंड अदर साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे हमारा सिक्योरिटी देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट सिर्फ अभी देखने को मिलती है और पैटर्न साइज भी जो है नॉर्मली अभी फिलहाल आपको मिलता है। और यहाँ पे फिंगरप्रिंट की बात करें तो फिंगरप्रिंट एंड्रॉइड 10 की तरह है, जैसे कि आप तुरंत लॉक करके टैप करते हो तो अनलॉक नहीं होता, 1 सेकंड के बाद टैप करोगे तो ये जो है अनलॉक हो जाता है, तभी उसी तरीके से मिलता है। लेकिन फिंगरप्रिंट जो है आपका स्पीड जो है काफ़ी अच्छा आपको मिल जाता है। और स्क्रीन लॉक में आपको यही टाइम आउट ये सारी सेटिंग्स मिल जाती है और एसेबिलिटी मिलता है नीचे, एंड यहाँ पे डिजिटल वेलबिंग का भी सपोर्ट हमें देखने को मिल जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर हम नीचे चलते हैं तो सोमी पार्ट्स मिल जाता है, जिसके अंदर MI साउंड एनहांसर है जो कि वर्किंग है बिल्कुल अच्छे तरीके से। FPS इन्फो वॉल्यूम मिल जाता है, अम्बिन डिस्प्ले सेटिंग्स मिल जाती है, और नीचे आपको यहाँ पे सिस्टम स्ट्रेंथ मिल जाता है जो कि हमारा वाइब्रेशन स्ट्रेंथ है, एंड यहाँ पे येलो फ्लैश लाइट भी आप कंट्रोल कर सकते हैं और फास्ट चार्जिंग का भी मिल जाता है, जिससे आपकी चार्जिंग स्पीड जो है तो आपको पहले से बेटर मिलती है, थोड़ी सी अच्छी मिल जाती है। यहाँ पे जेस्चर आपको मिल जाता है सिस्टम सेटिंग्स के अंदर, जो कि हमारा काम नहीं कर रहा, तो ये जेस्चर जो है अभी फिलहाल काम नहीं कर रहा, सिर्फ स्वाइप अप जो है आपका यूज़ कर सकते हो, और नेविगेशन बटन भी जो है काम नहीं करता है। तो आप देख सकते हो ये जो है स्वाइप अप वाला काम करता है, बाकी आप अगर यहाँ पे साइड से करोगे तो जो है काम नहीं करेगा। और यहाँ पे एक और आपको फीचर मिलता है जो है 3 फिंगर स्क्रीनशॉट, और पावर मेन्यू की सेटिंग्स मिल जाती है यहाँ पे, तो यही सारी चीज़ें थी। और नीचे आपको अपडेटर मिल जाता है, जो कि सिस्टम अपडेटर यहाँ पे मिल जाता है। और बात करें टू बेंचमार्क स्कोर की तो 99,515 हमें यहाँ पे स्कोर देखने को जो है मिल जाता है। और अगर हम बात करें यहाँ पे पबजी की, तो पबजी के जो ग्राफिक हमें यहाँ पे देखने को मिलती है वो है स्मूथ पे हाई फ्रेम रेट और बैलेंस पे हमें मीडियम तक की देखने को मिलने वाली है। और पबजी परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो पबजी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब आपको मिलने वाली है यहाँ पे फिलहाल, तो अभी काफ़ी ज़्यादा ही ख़राब है, क्योंकि अभी जो है गेमिंग तो मुश्किल है कि खेल पाओगे, क्योंकि अगर क्लोज रेंज दूर से अगर फाइट ले रहे हो तो बेटर, अगर क्लोज रेंज में फ़ाइट हुई तो फिर तो पूरी तरीके से ही ख़त्म होने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर जो है पबजी परफॉर्मेंस अभी के लिए फ़िलहाल ख़राब देखने को मिलती है। तो मे भी जो है आगे के अपडेट्स में ये जो है फिक्स होगा, अभी फर्स्ट बिल्ड है और एंड्रॉयड 11 का है, तभी तो सभी डिवाइस, सभी जितने भी अभी रोम आ रहे हैं एंड्रॉयड 11 के, तो कोई सी भी डिवाइस का हो अभी प्रॉब्लम कर ही रहा है, तो अभी के लिए फ़िलहाल तो हम कुछ नहीं बोल सकते। अभी के लिए फ़िलहाल जो है आपको अभी दूसरी रोम ही यूज़ करना पड़ेगा, अगर आपको इंजॉय करना है तो इन्जॉयमेंट के लिए जो है आप आ सकते हो, एक्सपीरियंस करना है तो, लेकिन ऐसे अगर आप यूज़ करना चाहते हो डेली लाइफ के लिए तो अभी के लिए तो फिलहाल डेली लाइफ के लिए जो है नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें जो है आपको एडवांस थोड़े से फीचर्स अच्छे मिल जाते हैं। और इसका जो है UI मेन, इसमें मेन दिक्कत एक है कि इसकी UI जो है काफ़ी लैग यहाँ पे करती है, तो जैसे ऐप ओपन करते हो या स्टेटस बार आप ड्रैग करते हो तो वो सब में जो है लैगिंग आपको थोड़ी सी ज़्यादा इसमें देखने को मिलती है। ये सारी चीज़ें थी यहाँ पे। और अगर हम बात करते हैं इसके इंस्टॉलेशन के बारे में, तो चलिए हम यहाँ पे इंस्टॉलेशन भी देख लेते हैं। तो आपको सबसे पहले ये रोम एंड फ्लेम जी एप्स का जो है यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इनको डाउनलोड कर लेना। और यहाँ पे जो है एक्सटेंडेड UI रोम है, इसको आप डाउनलोड करोगे तो शायद आपका यहाँ पे जिप की जगह जार रहेगा, तो आप जो है सिंपली रिनेम कर लेना इसको, लास्ट में जो है जिप तक आपको यहाँ पे छोड़ना है, बाकी ये जो लास्ट का है जार JR इसको जो है हमें हटा देना है यहाँ पे, और जिप तक रहना है, और यहाँ पे जो है रिनेम कर लेना, ओके कर देना इसको सिंपली अगर आएगा तो, या फिर IDM से डाउनलोड करोगे तो ये जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा इस तरीके से चार। और इसके बाद चलना है मेरी रिकवरी में, रिकवरी आप कोई से भी यूज़ कर सकते हो, लेटेस्ट रिकवरी होनी चाहिए, सिंपली वाइप पे जाना है। और यहाँ पे जो है आपको इस तरीके से इंटरनल एंड माइक्रो SD एंड USB को छोड़ करके बाकी सभी को आपको जो है यहाँ पे वाइप कर देना, इंटरनल को छोड़ देना जैसे कि आप देख सकते हो, बाकी रोम्स में 5 ही चीज़ें करनी है एंड यहाँ पे इस तरीके बाकी रिकवरी में। और यहाँ पे वाइप करने के बाद आपको सिंपली इंस्टॉल पे जाना है और अपनी रोम को सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे जो है एक्सटेंडेड UI हम रोम को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो है इसे हमें सिंपली फ्लश कर देना है कुछ इस तरीके से। और ये फ्लश होने में 1 मिनट के अंदर ही जो है, 1-2 मिनट के अंदर ही जो है फ्लश हो जाता है। और वाइप कैच करना है और सिंपली यहाँ पे बैक करना है हमें, और अब चलना है, अब हम यहाँ पे जो है फ्लेम GF जो है हमारा, इसे हमें फ्लश कर लेना है, तो कुछ इस तरीके से हम इसे यहाँ पे फ्लश कर लेंगे। ये भी जो है 1 मिनट के अंदर जो है हमारा यहाँ पे फ्लश हो जाता है। और वाइप कैच कर देना है, अब हमें यहाँ पे डायरेक्ट रिबूट कर लेना है। और रिबूट करना है यहाँ पे, तो आपका जो है MI लोगो पे
आएगा। उसके बाद जो है आपको बूट एनिमेशन जो है यहाँ पे कौन सी देखने को मिलती है, तो वो है हमारा यहाँ पे गूगल का जो है बूट एनिमेशन आपको देखने को मिल जाता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, 5 मिनट के अंदर अंदर आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद जो है आपको अपना सेटअप यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है, कुछ इस तरीके से ओपन होगा। उसके बाद आप जो है यहाँ पे नेक्स्ट करना है स्टार्ट, यानी यहाँ पे जो है अपना कनेक्ट करके सारी चीज़ें जो है आप जो है सेटअप कंप्लीट कर लो। और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन आप देख सकते हो, ये डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन हमें देखने को मिलती है। और लैगिंग भी आप देख सकते हो, अभी फ़िलहाल लैगिंग देखने को मिलती है यहाँ पे। अभी जो है नेक्स्ट अपडेट का हम वेट करेंगे कि नेक्स्ट अपडेट में हमें जो है कैसा परफॉर्मेंस मिलता है। फिलहाल अभी तो फर्स्ट बिल्ड में अभी लैगिंग देखने को मिल रही है, इसके एनिमेशन में यूआई जो है काफ़ी अच्छी तो मिल जा रही है। यही सारी चीज़ थी यहाँ पे इस रोम में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेशन आपको जो है मिली है इस वीडियो से, तो ज़रूर आप जो है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और अगर आप नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर लें, ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ साथ हमारे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो लें, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आगे भी इसी तरह की वीडियो आप सबके लिए लाता रहूँगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।